दोस्तों अगर आप यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर हैं, यानी कि आपका बैंक खाता पीएनबी बैंक में है और दोस्तों आपका बैंक खाता यहाँ पर बंद हो गया है और आप अपने बैंक खाते को दोबारा से चालू करना चाहते हैं यानी बंद खाते को दोबारा से रीओपन करना चाहते हैं तो वो किस प्रकार से ओपन करोगे उसी का यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस आप इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ की पी एन बी बैंक में अगर आप अपने बंद खाते को दोबारा से चालू करना चाहते हैं तो उसका कोई ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है यहाँ पर आपको बैंक में जाना ही पड़ेगा होम ब्रांच जो होगी आपकी जानी जहाँ पर आपने अपना बैंक खाता ओपन कराया होगा उसी ब्रांच में जाकर आपका खाता दोबारा से ओपन होगा ठीक है और वहां पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स

मान लीजिए आप अपना खाता यहाँ पर दोबारा खुलवा लेते हैं लेकिन वो फीचर में फिर से बंद हो गया तो उससे आप कैसे बच सकते हो ठीक है क्योंकि आपको ब्रांच के चक्कर काटने पड़ते हैं आपके पास समय नहीं होता हर किसी आदमी के पास चक्कर काटने का तो इसलिए दोस्तों आप पहले ही आप जागरूक हो जाइए कि आपका बैंक खाता यहाँ पर बंद ना हो क्या क्या आपको बातों का ध्यान रखना है और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर क्या प्रोसेस है खाते को ओपन करने का तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से वीडियो को स्किप करके आगे पीछे देख सकते हैं मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो कंप्लीट देखें तभी आपको बातों का पूरा पंजा चलेगा और आप अपने बैंक खाते को दोबारा से रीओपन करा सकते हैं तो दोस्तों उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन को प्रेस कर दो क्योंकि दोस्तों आपको मैं इस प्रकार की वीडियोस देखने को मिलती रहती है दोस्तों बिना के धीरे के भरते हैं वीडियो में मेन प्रोसेस की ओर तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपका खाता किन कारणों की वजह से बंद होता है तो दोस्तों मान लीजिए कि आपका किसी भी बैंक में खाता चाहे गवर्नमेंट बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो अब देखिए यहाँ पर जैसे पीएनबी बैंक को ले लेते हैं आपका बैंक खाता पीएनबी बैंक में है तो दोस्तों आपका पीएनबी बैंक खाता बंद क्यों हुआ होगा किन कारणों की वजह से बंद हुआ होगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए अगर आप अपने बैंक खाते में यहाँ पर पिछले छह महीने एक साल दो साल तीन साल लंबे समय से यहां पर ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं कोई लेन देन नहीं कर रहे हैं ना तो उसमें से पैसा आप निकाल रहे हैं या ना उसमें जमा कर रहे हैं ठीक है तो इस केस में क्या होता है कि आपके खाते पर बैंक जो है होल्ड लगा देता है इनएक्टिविटी के कारण जैसे कि आपके बैंक खाते में अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है लेन देन हो रहा है तो बैंक को लग रहा है कि ये कस्टमर एक्टिव है यानी एक्टिविटी चल रही है इसके खाते में तो उसको एक्टिव रखेगा अगर उस खाते में एक्टिविटी नहीं हो रही है तो दोस्तों वो बैंक क्या करेगा उसको इनएक्टिव की कैटेगरी में डाल देगा होल्ड लगा देगा उस खाते पे ना तो उससे पैसा निकलेगा ठीक है ना उस पर डिपोजिट होगा कुछ कंडीशनों में ठीक है कुछ कंडीशन में डिपॉजिट हो जाता है जैसे सरकारी पैसा आता है आपका कोई डीबीटी के तहत लिंक है आपका बैंक खाता या स्कॉलरशिप आ रही है कोई ठीक है या फिर कोई सरकारी पेंशन योजना का पैसा आ रहा है आपको पता नहीं है कि ये खाता आपने लगा रखा है क्योंकि आधार कार्ड की मदद से ही आपका बैंक खाते में पैसा आता है एनपीसीआई लिंक होने के द्वारा क्योंकि आजकल अधिकतर केस में जैसे किसान की किस्त होती है वो भी यहाँ पर कुछ ऐसे खातों में आ गई है तो क्योंकि वो आधार कार्ड से जो बैंक खाते लिंक है NPCI से लिंक है उन्हीं खातों में ट्रांसफर की गई है आपने अकाउंट नंबर कोई और सा दिया लेकिन जो खाता NPCI से लिंक है उसमें वो अकाउंट में आ गई है तो अब इस कंडीशन में आपका बैंक खाता बंद है कैसे निकालें कैसे चालू करें ठीक है तो उसी का प्रोसेस यहां पर देखेंगे तो दोस्तों अधिकतर केस में यही प्रोसेस होता है जो भी गवर्नमेंट बैंक होते हैं जो मैं प्रोसेस बताऊंगा आपको वीडियो में आगे कि कैसे आप अपने खाते को रीओपन करा सकते हैं उसी मदद के उसी को फॉलो करके आप अपने किसी भी बैंक के खाते को यहाँ पर ओपन करा सकते हैं बस फॉर्म अलग अलग होते हैं हर बैंक के तो वो आपको अपने हिसाब से उस बैंक का फॉर्म ले लेना है ठीक है अगर आप चाहते हो किसी बैंक पे कि मैं इस पर्टिकुलर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो क्योंकि एस बी में मैंने कवर कर रखी है ठीक है तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि इन कारणों की वजह से आपका बैंक खाता बंद होता है क्योंकि अगर आप ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे तो आपका खाता बंद हो जाएगा ऑनलाइन एक्टिविटी के कारण अब आपको करना क्या चाहिए ठीक है जिससे कि आपका खाता बंद ना हो फ्यूचर में तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले तो यही है कि आपको ट्रांजेक्शन में करना ही करना है तो ट्रांजेक्शन आप ऐसा होता है कुछ केस में आप जॉब करते हैं घर से बाहर रहते हैं तो बैंक में नहीं जाने का समय मिलता है आपको तो उस केस में क्या करना है आपको आपको ए कार्ड बनवा लेना है ठीक है ए कार्ड से आप यहाँ पर क्रेडिट और यहाँ पर डेबिट कर लेंगे तो आपका खाता बंद नहीं होगा अगर एटीएम टी एम कार्ड नहीं बनाना चाहती तो आजकल आधार यूपीआई की सुविधा आ गई है पीएनबी बैंक में तो आधार कार्ड से भी आप मोबाइल बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग चालू करके यहाँ पर ट्रांजैक्शन कर सकते हो लेन देन कर सकते हो उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोज़ बना रहे कि कैसे मोबाइल बैंकिंग को यूज़ करें पी एन बी वन एप्लीकेशन को यूज़ करें ठीक है कैसे आप यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग को यूज़ करें कैसे एक्टिवेट करें सब कुछ वीडियो आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उनकी सबके लिंक या चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं ठीक है तो उनको आप फॉलो करके आप अपने फ्यूचर में बैंक खाते को बंद होने से बचा सकते हैं और आपको ब्रांच में जाने का समय नहीं है तो इन कंडीशन को फॉलो कीजिए मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट कीजिए इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट कर लीजिए नहीं है तो ए कार्ड को आप एक्टिवेट करिए ठीक है उसकी मदद से गूगल पे फोनपे यूज करके आप ट्रांजेक्शन को लेन कर सकते हैं अपने खाते में जिससे कि आपका खाता बंद नहीं होगा अब दोस्तों बात आती है कि आप अपने बंद खाते को कैसे चालू करें अब इसको जान लेते हैं दोस्तों बात कर लेते हैं पंजाब नेशनल बैंक में अगर आपका खाता है वो बंद हो गया कैसे चालू करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है के फॉर्म मिलेंगे आप स्क्रीन पे देख सकते हो इस फॉर्म की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहाँ से डाउनलोड कर लेना है आपको और इसको फिल कर लेना है ठीक है और एप्लीकेशन फॉर्म भी बोल देते हैं इसको हम तो उसमें आपको अपनी बेसिक सी डिटेल जैसे कि आपको अपना स, कस्टमर आईडी वो डाल देनी है अकाउंट नंबर एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपने माता पिता का नाम अपना नाम ठीक है और वहाँ पर पैन कार्ड नंबर आधार नंबर ठीक है अपना एड्रेस डाल देना है सब कुछ डिटेल जो बेसिक बेसिक डिटेल जो आपको पता है जैसे मोबाइल नंबर ये चीज़ें आपको वहाँ पर फिल कर देनी है इस फॉर्म में और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगा देना अब इसके साथ डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे ठीक है डॉक्यूमेंट्स में मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है आपका एक तो आधार कार्ड की फ़ोटो स्टेट पेन कार्ड की फ़ोटो स्टेट लगेगी और सब पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं जो बैंक में करते हो उन फोटो स्टेट पर ठीक है सिग्नेचर कर देना है सके ऊपर और साथ ही दोस्तों आपके यहाँ पर बैंक की पासबुक की फोटो स्टेट भी यहाँ पर लगेगी और पासपोर्ट साइज फोटो भी तो एक बार दोबारा से मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स कवर करा देता हूँ काउंट करा देता हूँ कि क्या क्या लगेंगे और स्क्रीन पर भी मैं लिख दूंगा ठीक है तो सबसे पहले आपका यहाँ पर केवासी फॉर्म हो गया जो मैंने अभी स्क्रीन पर दिखाया था वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो बैंक से भी ले सकते हो ठीक है आधार कार्ड की फोटो स्टेट पैन कार्ड की फोटो स्टेट ठीक है बैंक की पासबुक की फोटो स्टेट और एक पासपोर्ट साइज फोटो ठीक है पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना है आपको दो फोटो इस तरीके से आपको ले जाना है एक तो फॉर्म पे चिपकेगा एक साथ में भी ले जाना है कभी वहाँ पर आपसे मान लें क्योंकि किसी किसी ब्रांच में ले, ले लेते हैं किसी में नहीं लेते हैं तो अब दोस्तों ये चीज़ें आपको ले जानी है डॉक्यूमेंट्स तो आपका काम हो गया है और दोस्तों साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सौ रुपये या फिर पाँच सौ रुपये दो नोट आपको ले जाने है सौ का और पाँच सौ का तो वहां पर क्या होता है कि जब आपका खाते का प्रोसेस होता है ये सब डॉक्यूमेंट्स लगाकर आप दे देते हो तो वहां पर बैंक के एम्प्लॉय जो है आपसे एक ट्रांजेक्शन करवाते हैं ट्रांजेक्शन ले करवाते हैं जिससे कि उसमें एक बार यहाँ पर लेन हो जाए बैंक के थ्रू तो वहां पर सौ आपसे या तो डिपोजिट कराएंगे या फिर आपसे यहाँ पर जो है विड्रॉल कराएंगे यानी पैसे निकलवा भी सकते हैं अगर आपके खाते में नहीं हुए तो फिर डिपॉजिट करवा कर, कर निकलवाएंगे एक बार यानी एक बार लेन देन आपके खाते से होगा जरूर क्योंकि तो दोस्तों आपके बैंक खाते में अगर लेन देन नहीं होगा तो वो एक्टिव नहीं हो पाएगा तो दोस्तों कुछ केस में ऐसा होता है मान लीजिए कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए बैंक एम्प्लॉय बोलेगा अभी चौबीस घंटे का समय लगेगा तो बैंक से आपको पूछ लेना है कितनी देर में हम आए कब आए ठीक है तो क्योंकि एक बार ट्रांजेक्शन जरूर कराएगा या तो हाथों हाथ भी करा सकता है या वो आपसे बोलेगा चौबीस घंटे बाद आना इसमें एक बार ट्रांजेक्शन जरूर कर देना तो दोस्तों सारी डिटेल आपसे पूछ लेनी है बैंक से कि कितनी देर में हम आए ऐसा तो नहीं होता है लेकिन अधिकतर केस में ऐसा होता है कि आपको वहीं पर आपका एक बार ट्रांजेक्शन करवा देते हैं वो हाथों हाथ ठीक है वो वहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस करके आपसे बोल देते हैं कि आपका चौबीस घंटे के अंदर खाता एक्टिव हो जाएगा तो दोस्तों तो इस तरीके से सारे प्रोसेस को फॉलो करके आप पंजाब नेशनल बैंक में या फिर किसी और गवर्नमेंट बैंक में भी इसी तरीके का प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं बस फॉर्म आपका अलग होगा जो के फॉर्म होता है वो अलग होगा डॉक्यूमेंट से ही लगेंगे तो इस तरीके से आप सारा प्रोसेस को फॉलो करके अपने पंजाब नेशनल बैंक खाते को दोबारा से ओपन करा सकते हो जो बंद खाता है उसको दोबारा से चालू करा सकते हो तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कंप्लीट प्रोसेस समझ में आ गया अगर आपने अपने पीएनबी बंद खाते चालू हो चालू करा लिया होगा कोई दिक्कत आ रही है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मैं जरूर से रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा और दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ जब तक के लिए जय हिंद जय भारत